हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। रीडिंग जो है वो आज का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की, आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं, यू वर्सेस देम। बेसिकली रीडिंग है यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं आज की रीडिंग में मैं देखूंगी। बट सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की और इस कनेक्शन की एनर्जी चेक करूंगी अपने हैंड रिटर्न से, ठीक है। बट आप लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि रीडिंग जो है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना करे। सो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी आप लोगों ने उतनी रखनी है और बाकी को जाने देना है, ओके। सो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपना फोकस अपने पर्सन पर रखें। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है। सो रीडिंग, आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। आप इस रीडिंग को अपने क्रश, अपने फ्रेंड, अपने एक्स, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ और जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके लिए भी देख सकते हो, या जिसे सेपरेशन पे हो, जिसे ब्रेकअप आपका हो गया उनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। रीडिंग जनरल है और सबके लिए ओपन रीडिंग है। मेरे चैनल पे जितने भी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। सो देखती हूँ मैं सबसे पहले आपके इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, ठीक है। यहाँ से मैं 6 कार्ड लूंगी, आपके इस कनेक्शन की एनर्जी चेक करूंगी। सो आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहें और अपना फोकस अपने पर्सन पे रखें। ओके, 6 कार्ड हो गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट ओपनिंग। आपके पर्सन, डेफिनेटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, या आपका ब्रेकअप सिचुएशन है या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो वो पर्सन आपकी तरफ अपना दिल जो है ओपन करना चाहता है, ओके। फर्स्ट वी हैव ब्यूटी। डेफिनेटली आई थिंक आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। जिनके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, बल्कि आप उनको ब्यूटीफुल लगते हो। आपकी ब्यूटी उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, स्पेशली अगर आप लड़की हो और आप लड़की जो वीडियो को देख रही है मेरी, आपके पर्सन ये पार्टनर आपका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आप उसको काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो। सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन अपने आप को रखते हो, ठीक है, फैशन करते हो काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं, काफ़ी आप उनको अच्छे लगते हो, खूबसूरत। पीस, ये पर्सन जो है पीस चाहता है, ठीक है, या इस टाइम ये पर्सन इस टाइम टोटली पीस के मोशन पे लगा हुआ है, पीस मोड पे चल रहा है, या इस कनेक्शन में ये पर्सन और आप लोग भी पीस चाहते हो, ठीक है, या इस टाइम टोटली मुझे लगता है साइलेंट मोड है, आप लोगों की बात नहीं हो रही। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों साइड है, आप भी और जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, टोटली इस टाइम खामोश हो, साइलेंट मोड पे हो और पीस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शांति हुई हुई है, अमन और सुकून हुआ हुआ है। एक्शन, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, और आप भी वेट कर रहे हो कि ये एक्शन ले और ताकि आगे फर्दर चीज़ें जो हैं मूव ऑन करें। सेल्फ केयर, तो ये पर्सन भी अपना सेल्फ केयर करने पे फोकस कर रहा है, या आप लोग सेल्फ केयर करते हो अपनी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यूनियन, डेफिनेटली आपकी यूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे, और ये भी आप लोग दोनों साइड जो है ना, लाइक ये भी और आप लोग भी, आपके पार्टनर भी और आप लोग भी यूनियन का वेट कर रहे हो कि आप लोगों की यूनियन हो, ठीक है, एक्शन लिया जाए, यूनियन हो कुछ ना कुछ, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है। आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हो, वो आप लोगों के एक्शन का वेट कर रहे हैं, सो आप लोग किसी ना किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा, तभी यूनियन होगी। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेंथ। डेफिनेटली आपने भी और इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाई हुई है, बिकॉज आप लोगों चाहते हो कि आगे जो चीज़ें हैं वो फर्दर मूव करें, जिसकी वजह से अभी आप टोटली अपनी पावर में हो, स्ट्रेंथ में हो, ताकि आप लोग वीक ना हो, क्योंकि जितने आप लोग वीक होगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं मैस क्रिएट ज़्यादा होगा, और आप लोगों इस टाइम मुझे लगता है आप लोग लाइक होपफुल हो, ठीक है, डिवाइन पे आप लोगों ने, मुझे लगता है इस पर्सन ने भी डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, और इस टाइम सिर्फ वेट हो रहा है, वो पर्सन चाह रहा है आप लोग एक्शन लो, आप लोग चाह रहे हो ये पर्सन एक्शन ले, ये एनर्जी है आप लोगों के ओवरऑल कनेक्शन की। सो अब मैं देखूंगी यू वर्सेस देम,
आपकी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है और आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग है इस टाइम की आप फील कर रहे हैं वो। सो डिवाइन गाइड करें, सबसे पहले मैं आप लोगों की सिक्स कार्ड निकालूंगी आपके पर्सन के आप लोगों के लिए। ओके सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स इस टाइम उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कार्ड जो है मैं खुद इंट्यूटिवली निकालूंगी बट शफल मैं जस्ट इनको शफल करूंगी पहले और देखूंगी आपके पर्सन जो हैं आपके पार्टनर जो भी पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो तक पहुंचे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, उनकी आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। नंबर वन सिक्स कार्ड मैं लूंगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए फीलिंग्स। टू थ्री फोर फाइव एंड द लास्ट वन इज सिक्स। सो ये आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं। अब मैं कार्ड निकालूंगी कि आपके आपकी इसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप इस टाइम किस एनर्जी में हो, क्या इनके लिए फील करते हो। सो रिमाइंड गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन व्यूवर्स की इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की इस पर्सन के लिए, उनके पार्टनर के लिए, उनके पर्सन के लिए इस टाइम क्या करंट फीलिंग्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव एंड द लास्ट वन इज सिक्स। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप लोग चाहते हो इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी, आप लोग चाहते हो कि आपका स्टेबल एक कनेक्शन हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एंड टॉप ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पे पेंटिकल पेंटिकल की बहुत एनर्जी है, आप लोग भी इस पर्सन के साथ चाहते हो कि फैमिली बनाना, क्या आप लोगों की इस पर्सन से शादी और आपकी फैमिली बने। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी कि इस पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग है, आपका पार्टनर है जिसके लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल है या फीमेल है, ये आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। फर्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड, सेकंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है रिवर्स्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, द फूल, थ्री ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगी आपके पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग क्या है, देन बाद में उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये स्टार साइन है एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एक्वेरियस यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगता है आप लोगों के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग है, ये पर्सन जो है आप लोगों को स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, डेफिनेटली इस पर्सन की नज़र आप लोगों पे ही है, आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन आप लोगों को देख नहीं रहा लेकिन ये पर्सन आप लोगों को स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, स्टॉक कर रहा है, ठीक है, नज़र इस पर्सन की आप लोगों की तरफ ही है। एंड ये पर्सन जो है इस टाइम द फूल की एनर्जी में है, ठीक है, टोटली पर्सन केयर फ्री है और केयर फ्री होकर आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जाता है आप लोगों के लिए एक्शन लिया जाए और एक न्यू बिगनिंग की जाए, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी वहाँ से मुझे केयर फ्री नज़र आ रहा है, ठीक है, वहाँ से लाइक उसकी थर्ड पार्टी पे भी कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकती है या इसकी कोई शादी हुई है या वो हो सकता है या कुछ भी, ठीक है।
बट ये पर्सन मुझे बहुत केयरफ्री लग रहा है, ये पर्सन अपने मन मौजी में हो सकता है, अपनी मन मस्ती में, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफ्री है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, लेकिन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ठीक है, रिस्क लेना चाहता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक्शन बेसिकली ये पर्सन लेने का सोच रहा है। बट नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे रिवर्स आया है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन ले नहीं पा रहा, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहता है लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे एनर्जी है या पीस की और एक्शन की, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी यहाँ पर मुझे यही बता रहा है, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है बट ये किसी ना किसी किसी ना किसी रीज़न की वजह से ये पर्सन एक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहा, ठीक है। जितना जल्दी ये पर्सन चाहता है ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगर आता ऐसे, ठीक है, मतलब अपराइट आता, तो मैं उसे कहती कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत तेज़ी से आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है। बट ये आया यहाँ पे रिवर्स, ये पर्सन तेज़ी से एक्शन लेना चाहता है लेकिन किसी ना किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा सुकून में है, बहुत ज़्यादा पीस में है, इंपेशेंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि जल्दी जल्दी से एक्शन लूँ लेकिन ये पर्सन जल्दी से एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा काम की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड, इस कार्ड के नीचे आया है थ्री ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ये पर्सन मुझे लगता है बट यहाँ पे दो स्पाई के कार्ड आए हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन ने आप पे नज़र रखी हुई है, यहाँ पे भी नज़र है। आपको लगता है आपके पर्सन आपको नहीं नज़र रख रहे, स्पाई नहीं करता या आपको स्टॉक नहीं करता, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन की नज़र आप पे है जहाँ पे भी आप हो, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली देख रहा है कि आप लोग इतना ग्रो कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है कि आप लोगों काफ़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हो, ठीक है। आप लोगों के पास काफ़ी हेल्थ है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेल्फ केयर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है आप लोगों के पास। ये पर्सन आप लोगों को ऐसे देखता है, ठीक है, कि आप लोगों के पास फुल ऑफ फर्टैलिटी है, फुल ऑफ फ्रीडम है, फुल ऑफ लग्जीरियस लाइफ आप लोग गुजार रहे हो, आपके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी अबंडेंस हो आप लोग, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों को इस तरह देखता है। इस पर्सन को लगता है आप लोग टोटली अपने पे फोकस कर रहे हो और आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ के आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, और आप पे अपना फोकस, आपका फोकस अपने आप पे है। ये पर्सन आपको यही देख रहा है। हो सकता है आप लोगों ने अपने आप को ग्रूम किया है, ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया पर आपकी पिक्चर्स देखता है कोई, ठीक है, या कुछ स्टेटस आप लोग ऐसे लगाते होगे जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गए हो, आप लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, आप लोग टोटली आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है, ठीक है। ये पर्सन फील करता है, हो सकता है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है आप लोगों की तरफ आने की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है, आउट ऑफ कंट्री ये पर्सन हो सकता है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है या आप लोगों को ये पर्सन देखता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपनी केयर कर रहे हो, लोगों की हेल्प करने वाले हो, ठीक है, आप लोग पुअर पीपल की काफ़ी हेल्प करते हो। ये पर्सन को यहाँ पे ये लगता है ये पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है। बेसिकली ये पर्सन की फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये पर्सन सोच रहा है और आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है। केयर फ्री होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी चीज़ की भी परवाह नहीं होगी इस पर्सन को, इसलिए ये पर्सन आप लोगों को एक्शन लेना चाहता है। और ये पर्सन आप लोगों के लिए सोचता यही है कि आप लोग द फूल की तरह हो, आप लोगों की फीलिंग्स निकालनी है कि ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है आप लोग बिल्कुल केयर फ्री हो, अपनी केयर कर रहे हो, आप लोगों को कोई परवाह नहीं है इस पर्सन की। इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है पास्ट में, बुरा किया है या जैसा भी किया है, आप लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने इसको छोड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया है और अब आप लोग अपनी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो और द फूल की एनर्जी पे हो, टोटली अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस पर्सन के लिए आप टोटली केयरलेस हो। ये पर्सन आप लोगों के लिए फील करता है कि आप लोग उसको ऐसे देखते हो, ठीक है। अब मैं देखूंगी आप लोग इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, ठीक है, आपकी फीलिंग क्या है इस पर्सन के लिए। अब लवर्स, वेरी नाइस, आप लोग तो इसको सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हो। पहला ही कार्ड आया, काफी मेजर काना कार्ड है, द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, ओहो, टेन ऑफ वैंड्स एंड लास्ट वन इज सिक्स ऑफ कप्स। सो आपका स्टार साइन या इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनाई हो सकता है, एंड जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इस पर्सन का स्टार साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है एंड एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, सो स्टार साइंस तो यहाँ पे सबके सब मौजूद हैं, बट हैवीली जो यहाँ पे स्टार साइन है वो है जेमिनाई, कैंसर एंड एक्वेरियस।
आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, आप लोग इस पर्सन के लिए फील यही करते हो कि आप लोगों को लगता है ये पर्सन आपका द लवर्स का कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है, आप लोगों को लगता है आपका ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, आप लोग ये फील करते हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ आप लोग एक्शन लो। द चैरियट का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आप लोग चाहते हो इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना। यहाँ से भी एक्शन का कार्ड आया है, बट ये पर्सन एक्शन लेने में थोड़ा डिले है क्योंकि इस पर्सन एक्शन लेना चाहता है बट ले नहीं पा रहा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पीस की एनर्जी में है, साइलेंट मोड पे है या पीस की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन लेता नहीं है ये पर्सन, ठीक है, मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। आप लोग चाहते हो एक्शन लेना, आप लोग मुझे लगता है खुद ही इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो कि आप लोग चाहते हो बस किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन से आप लोग बात कर लो, हो सकता है आप लोग मैसेजेस करते हो या बात करते हो इस पर्सन से तो ये पर्सन आपसे शायद उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता आप लोगों को जैसा आप लोग चाहते हो। सो आप लोग फील यही कर रहे हो, आप लोग इस पर्सन के लिए फील करते हो कि आप लोगों को लगता है आप लोग इस पर्सन के बगैर बहुत ज़्यादा अकेले हो, आप लोगों का दिल नहीं लग रहा इस पर्सन के बगैर, आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच हो, ठीक है, दुनिया से अपने आप को फील करते हो जैसे दुनिया में आप लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इस पर्सन के बगैर। मुझे यहाँ पे हैवीली फील हो रहा है बिकॉज दो सोलमेट के कार्ड हैं यहाँ पे, द लवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। आप लोग इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज जो आप लोगों ने इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ अपने या जो भी ये है उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आप उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हो, मेमोरीज याद करते हो, आपका कनेक्शन बहुत पुराना हो सकता है, 6, 7 years, 8 years पुराना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 या 3 years भी ओल्ड कनेक्शन ये हो सकता है, बट 6-6 की एनर्जी है तो आप लोगों के लिए 6-6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एंड आप लोगों के लिए 5 भी इंपॉर्टेंट नंबर है। डेफिनेटली आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में आए, इस पर्सन से आपका रिकॉन्सिलिएशन हो बिकॉज द लवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स रिकॉन्सिलिएशन के दो कार्ड हैं। आप लोग हैवीली फील कर रहे हो इस टाइम बर्डन, आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हो, जो भी आप लोगों का 5 of cups इस पर्सन के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, जो आपका इस पर्सन से ब्रेकअप सिचुएशन है, बात नहीं हो रही, ठीक है, कुछ जो भी इस पर्सन ने आपको चीट किया है, डिसेप्शन किया है, उसकी वजह से आप टोटली टायर्ड हो, टोटली यू नो फेडअप हो चुके हो उस पोजीशन से, और अब आप लोग चाहते हो कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो आप लोगों की लाइफ में बिकॉज आप इस सैड एनर्जी में और रहना नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग चाहते हो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आए इस पर्सन के साथ और ये पर्सन वापस आके आपको प्रपोज करे, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करे, आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए एक्शन ले, आप लोगों का यूनियन हो। बेसिकली यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, आपके कनेक्शन की एनर्जी है ये यूनियन, आप लोग दोनों साइड, वो पर्सन भी और आप लोग भी चाहते हो आप लोगों का यूनियन हो, तो यहाँ पे मुझे यूनियन होता नज़र आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, बिकॉज आप लोग चाहते हो और द लवर्स आपको एंजल की प्रोटेक्शन भी आपके कनेक्शन को है, ओके, हो सकता है कुछ ना कुछ लोग आपसे जेलस होते हों, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, हो सकता है कुछ जेलसी की यहाँ पे एनर्जी है मुझे लगती है, ठीक है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो, आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, अब आप लोग चाहते हो क्लियर कट आप लोगों की इस पर्सन से बात हो, रिकॉन्सिलिएशन हो और आपका ये जो फेज है सैड मोड है वो ख़त्म हो, ठीक है, डेफिनेटली 10 of wands है तो आपका ये साइकिल एंड होने के करीब ही है, ठीक है, 10 of wands 10 की एनर्जी है, एक साइकिल आपका एंड होगा एंड देन ट्रांसफॉर्म होगा ये कनेक्शन आप लोगों का और आप लोग चाह भी रहे हो, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी यहाँ से कुछ कि इस पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं या क्या सोच रहा है ये पर्सन आप लोगों को लेके, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन इस टाइम क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है आपके साथ इस कनेक्शन को लेके। सो डिवाइन गाइड करें, ये जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं। वेट गाइस, आई थिंक सोच तो ज़्यादा ही कुछ रहे हैं जिसकी वजह से कार्ड इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। अथॉरिटी, ओके, नंबर 4। सो ये पर्सन जो है इस टाइम सोच यही रहा है, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आना चाहता है, ठीक है, अथॉरिटी का कार्ड होता है एम्परर का, तो ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आना चाहता है, ताकि अथॉरिटी में आएगा तभी ये पर्सन आप लोगों के लिए कुछ डिसीजन लेगा, एक्शन लेगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअल से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंजल से हेल्प ले रहा है ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन ले, ठीक है, ये सोच यही रहा है, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बेसिकली ये पावर बना रहा है ताकि आप लोगों की तरफ अथॉरिटी एक्शन लिया जा सके। और देखूंगी क्या सोच रहा है ये पर्सन आप लोगों के लिए इस कनेक्शन के लिए। नंबर 2, मोमेंट चॉइसेस डिसीजन, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़ है यहाँ पे,
ठीक है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है बट ले नहीं पा रहा, इसके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको डिसीजन करने में और मोमेंट लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है रिवर्स, इसीलिए ही आया है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। और देखती हूँ क्या है इस पर्सन का। ओके, टेम्पटेशन, डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस टाइम आप लोगों के लिए सोच, ये पर्सन यही रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ टेम्पटेशन फील करता है, ठीक है, इंटीमेसी फील करता है, काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस पर्सन का आप लोगों के लिए, ठीक है, ये पर्सन आप लोगों के साथ फिजिकल भी होना चाहता है, यही सोच रहा है कि आप लोगों के साथ रीयूनियन हो और ये पर्सन का आप लोगों के साथ यू नो अपने जो भी इस पर्सन ने अंदर दुबाई हुई हैं चीज़ें वो आप लोगों के सामने बताए, अपने इमोशंस, अपने लव को आपके सामने एक्सप्रेस करें। थर्ड आई चाकरा, डेफिनेटली ये पर्सन अपना थर्ड आई चाकरा इसका ओपन हो रहा है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन को ये पर्सन अपनी सुन रहा है और यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने आप को डिवाइन से और एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तभी इसका थर्ड आई चाकरा यहाँ पे ओपन होगा और आप लोगों के लिए ये पर्सन एक्शन लेगा। 66 आप लोगों के लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 666 आप लोगों के लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 पेशेंस, डेफिनेटली इस पर्सन ने अपना पेशेंस बनाया हुआ है, यहाँ पे पीस का आया था, यहाँ पे पेशेंस आया है, डेफिनेटली ये पर्सन पीस एंड पेशेंस से काम कर रहा है ताकि प्लानिंग कर रहा है, कुछ हैवीली मुझे यहाँ पे प्लानिंग के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है बट इस टाइम सोच रहा है कि किस तरह आपकी तरफ आया जाए, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कुछ ख़राब चीज़ें कर दी हैं इस पर्सन ने, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, ये पर्सन यहाँ प्लानर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला, एक्शन कम लेता है सोचता ज़्यादा है। नंबर 6 विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 666 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए, ओके, सो इसको गूगल करके देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन विक्ट्री एंड सक्सेस चाहता है, ये पर्सन सोच रहा है कि इसको विक्ट्री एंड सक्सेस मिले, उसी तरह का ये प्लान कर रहा है कुछ। एंड लास्ट वन इज नंबर 3 सोलर प्लेक्सिस चक्र, डेफिनेटली ये पर्सन अपना कॉन्फिडेंस बना रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है, कॉन्फिडेंस में आएगा, अपनी अथॉरिटी में आएगा, तभी ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। और बॉटम ऑफ द डेक है, वेट गाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, दो दफ़ा आया है, रिपीट हुआ है ये कार्ड, तो ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों का कुछ कल्चर का या कुछ सोसाइटी का डिफरेंस है, ठीक है, आप लोग वाइट एंड ब्लैक का कपल भी हो सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ मीटिंग करना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, तो यहाँ पे चांसेस जो हैं मुझे लगते हैं 6 वीक्स 9 वीक्स 2 वीक्स इस तरह ये पर्सन मुझे एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। अब मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस है द स्टार, हैप्पी टाइम्स मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, आप लोग अपने आप को हील करो एंड डिवाइन पे अपना फोकस बना के रखो, डिवाइन पे फेथ रखो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी टाइम्स आप लोगों के लिए जल्द आएंगे, ठीक है, आप लोग राइट पाथ पे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे तो मैनिफेस्टेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को हील करने की कोशिश करो, देन आप लोगों के लिए चेंजेस यहाँ पे होंगे, हैप्पी टाइम आप लोगों के लिए डेफिनेटली आएगा। ओके, तो पॉजिटिव रहें। टू ऑफ एयर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी कोई कन्फ्यूजन है उनको, कन्फ्यूजन को आप दूर करो, ठीक है, एक डायरेक्शन पे सोचो कि आप लोगों को क्या करना है, कन्फ्यूज़ यहाँ पे ना हो, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़ होती रहेंगी। तो आप लोगों ने एक डायरेक्शन सोचनी है और एक डिसीजन लेना है। किंग ऑफ अर्थ, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो के आप लोग सोचो तभी आप लोग सक्सेसफुल होगे, और दूसरों के साथ जितना ज़्यादा काइंड रह सकते हो उतना रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, और आप लोग तभी किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, कॉन्फिडेंट रहने को आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। मैं लास्ट कार्ड लूँगी, क्या और गाइडेंस है आप लोगों के लिए, 10 ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितना भी आप लोगों का
बर्डन है, नीचे भी आया था टेन ऑफ वेंड्स का कार्ड था, ये आया है टेन ऑफ अर्थ का कार्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना भी कोई आपका बर्डन है वो जल्दी ही आप लोगों का रिलीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के लिए हैप्पी टाइम आएगा, ठीक है। और जितनी भी कोई मेस क्रिएट है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी एंडिंग होती है यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशली भी आप लोगों को अबंडेंस मिलेगी, और लाइफ के लिए यहाँ जिस रिलेशनशिप को आप देख रहे हो वहाँ से भी आप लोगों का बेटर होने के चांसेस हैं, और आप लोगों के लिए हैप्पी टाइम जल्दी आने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लवर से मिलोगे बहुत जल्द, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा आगे मूव करेगी, एंड आपकी हेल्थ भी, अगर आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे ठीक होती नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन डिसीजन आप लोगों ने केयरफुली लेना है, जो भी आप लोगों की इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी उसके बेस पे आप लोगों ने डिसीजन लेना है, ओके। ये आपको कहा जा रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को, इस रीडिंग को, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।